सकता है, बच्चों में कितना जुनून है, छोटे छोटे बच्चे भी गरबा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इनमें भी बहुत ज्यादा जोश है, हमारे से ज्यादा जोश तो इनमें दिख रहा है मुझे, क्या मस्त गरबा कर रहे हैं, यही होता है शौक जज्बा, बहुत कष्ट है। ओ माई गॉड, आजकल के बच्चे भी नेक्स्ट लेवल हो गए, गरबा कर रहे हैं बहुत। गाइस स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग, आज हम जा रहे हैं गरबा, देखते हैं गरबा कैसा रहता है। फर्स्ट टाइम है अहमदाबाद में, तो आपको ले चलते हैं जो कि अदानी में होगा। कमेंट हो आप लोग देखने के लिए गरबा, अभी हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं, देख रहे हो हमारे सामने बहुत बड़ा एकदम विशाल का है गेट लगा हुआ है, और ये इलाका है इस तरह से। पास तो मिल गए, सब अपने अपने दिखाओ जरा जरा, मिल गया ना, बस अभी एक्शन होगा अंदर, एकदम नाचेंगे गजब स्टाइल से। तो आज का जो गरबा होगा बहुत खतरनाक होगा, हमारे पास सब टैलेंटेड लोग हैं, पहुंच चुके हैं एंट्रेंस पे, और हमारे जो मेन कलाकार है वो जाते हुए अंदर, आज होगा डांस बहुत जोरों शोरों से। तो ये हमारी एंट्री है गरबा नाइट में, पूरा एकदम माहौल बनेगा, और माहौल जब तक नहीं बनता तब तक तो हमें मजा नहीं आएगा। तो देखते हैं गरबे में क्या क्या होता है आज, तरह का कुछ एम्बियंस है, बहुत ही मस्त एम्बियंस है, आप देख सकते हो बहुत मस्त लाइटिंग हो रखी है, मज़ा ही आ रहा है, बहुत गजब गजब नाइस आज की नाइट गजब स्टेज जहाँ पे परफॉर्मेंस होगी बहुत ही गजब, अभी चालू होने ही वाली है थोड़ी देर से, तो ये स्टेज रहेगी पूरा गजब से गरबा चलेगा, और ये ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, और स्पेस तो इतना बड़ा है कि यहाँ पे 3-4 हज़ार लोग आ सकते हैं, बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत जगह, बहुत बड़ी जगह है, वन ऑफ द बेस्ट गरबा यहीं पे ही होता है अहमदाबाद का, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए गरबा नाइट्स। और आज के जो है कलाकार के सामने आप देख सकते हो स्टेज पे आज होने वाला है माहौल गरबा, गरबा पे जहाँ पे होने वाला है, ये जो ग्राउंड है इसका नाम है शांति ग्राउंड, गरबा शांति ग्राम है, बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है ये। तो गाइस अभी पूरा मतलब क्राउड आना बाकी है, तो थोड़ी देर से चालू हो जाएगा, 9:30 से पूरा जो भी आज के परफॉर्मर है वो आज परफॉर्म करेंगे थोड़ी देर से, तो अभी लोग आना चालू हुए, तो देख सकते हो लोग बहुत, भीड़ कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन क्या पता थोड़ी देर तक और बढ़ जाए, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, तो मतलब जो एंट्रेंस है ना वो बहुत ही मस्त है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लाइटिंग की है, एम्बियंस तो बहुत बढ़िया है, शांति मैदान का बहुत बड़ा मैदान है, तो बहुत सारे लोग 5,000 लोग आराम से आ सकते हैं, लेकिन इतना क्राउड तो है नहीं, एम्बियंस अच्छा लगा, बहुत अच्छी डेकोरेशन की है, दिखा सकता हूँ मैं आपको इस तरह से, बहुत बड़ा ही ग्राउंड है देख सकते हो, और इस तरह से आज की नाइट बहुत मज़ेदार होने वाली है गरबा नाइट, फर्स्ट टाइम है मेरा अहमदाबाद में गरबा, तो सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि कैसा होता है यहाँ का गरबा, तो इसीलिए मैं आ गया गरबा देखने, अगर आज अच्छा लगा तो हम कल से भी ज़रूर गरबा आएंगे और एक दिन शो कर दिखाएंगे आपको, और अपने फ्रेंड लोग उधर ही खड़े हैं, देखते हैं क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो यार भाई, थोड़ा डांस टूंस करो, क्या है आज होगा क्या, ये देखो पूरा जोश में आ रखता है, आज एक्शन करेंगे बराबर, तो पूरा एक्शन होने वाला है। हे अघ भवानी अम्बा भगवती, मज़ा आ गया, तो चलते हैं अब घर की ओर, अभी हम बाहर आ गए,
चलो गाइस अब सोने का टाइम हो गया, अभी हम सोएंगे, कल हमको जाना है काम पे, बहुत ज़्यादा बसड़ है जिंदगी में तो जाना पड़ेगा घर की ओर। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का, बहुत ही खतरनाक क्राउड, अंदर तो देखा ही आपने लेकिन बाहर भी बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, देख सकते हो आप, बहुत खतरनाक क्राउड है, लंबी लंबी लाइन लगी है अभी, रात के बज रहे 11:30, बहुत खतरनाक क्राउड है। हम तो जा रहे हैं घर की ओर, तो चलते हैं, 11 के आसपास का टाइम हो गया, अभी चलते हैं घर की ओर और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक नए ब्लॉग में। होप आपको अच्छा लगा हो गरबा ब्लॉग, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए वीडियो को, इसी तरह से नई वीडियो आपको लेके आएंगे। अहमदाबाद।